हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो बेसिकली अब हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, तो पढ़ने पे आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक ही पढ़ते हैं कि कैन इंडिया बिकम अ डेवलप इकोनॉमी बाय 2047। ऑलराइट, कि क्या इंडिया एक डेवलप इकोनॉमी बन सकती है 2047 में? अब गवर्नमेंट का क्या प्लान है, हाउ इज नीति आयोग हेल्पिंग, एंड क्या इंडिया में रियली पोटेंशियल है कि वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन ले? तो डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के जनरल टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी के जीएस मेंस पेपर 3 में आ जाते हैं, एंड देन फिर इंसान के पास प्रॉपर मटेरियल नहीं रहता है इसको आंसर करने के लिए। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि 2047 में इंडिया की 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हो जाएंगे। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल एक समिट प्लान कर रही है, जिसमें पीएम और सीएम सब मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि क्या प्लान है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। ऑल राइट, 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। अभी हम भी बना लेंगे इंडिया को डेवलप्ड नेशन, पर पहले समझ तो लेते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन होता क्या है। ऑल राइट, समझ लेते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन होता क्या है। तो एक डेवलप्ड नेशन क्या होता है, इसको कौन डिफाइन करता है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया दिया है, तो चार क्राइटेरिया है। एक लो इनकम कंट्री होती है, एक लोअर मिडिल कंट्री होती है, एक अपर मिडिल कंट्री होती है, और एक हाई इनकम कंट्री होती है। और राइट, तो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से चार टाइप की कंट्रीज होती है, एक लो इनकम, एक मिड लोअर मिडिल, एक अपर मिडिल और हाई इनकम। तो अभी लो इनकम कंट्रीज वो हैं जिनकी 1085 डॉलर से कम है इनकम पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा 1085 डॉलर से कम है। इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है, और इंडिया की जो GNI पर कैपिटा है वो 2170 है। ऑल राइट, और अपर मिडिल कंट्रीज में कौन आता है, जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 4046 से 12,635 डॉलर के ऊपर है, एंड हाई इनकम कंट्रीज के लिए 13,205 डॉलर के ऊपर की इनकम चाहिए एनुअली। तो अभी ये तो क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है किसी कंट्री का। ऑल राइट, तो अभी देखते हैं कि इंडिया डेवलप नेशन कैसे बनेगा, बिकॉज अभी तो हम 2170 पे, और हमें जाना है हाई इनकम या अपर मिडिल के ब्रैकेट के ऊपर। ऑल राइट, तो देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अभी देखिए, अगर करंट रेट ऑफ ग्रोथ से चलेंगे तो नेक्स्ट फॉर 25 ईयर्स अगर करंट रेट ऑफ ग्रोथ से चलेंगे तो भी इंडिया नहीं पूरा कर पाएगा, तो भी इंडिया अपने टारगेट से शॉर्ट हो जाएगा। मतलब अगले, बिकॉज हाई इनकम कंट्रीज आप देखिए क्राइटेरिया क्या है, 13,000 डॉलर्स। ऑल राइट, 13,000 डॉलर्स, तो वो क्राइटेरिया पार करने के लिए भी देखिए, अगर आज से 25 साल में आप 13,000 डॉलर कमाने के लिए जाएंगे पर कैपिटा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, तो और हाई, तो क्राइटेरिया भी बदल जाएगा। ऑल राइट, तो नहीं पूरा हो रहा। और अगर हमको वाकई में पूरा करना है तो हमें 9 से 10% का ग्रोथ रेट चाहिए। वी नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9 to 10%। नाउ इज इट पॉसिबल टू हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 9 to 10% फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स? तो देखते हैं कि पास में क्या हुआ था। तो अगर आप देखें कि 2003-4 का जो हमारा फिस्कल ईयर है, और 2008-9 का जो हमारा फिस्कल ईयर है, तो इसके बीच में आते हैं 5 साल। तो उन 5 सालों के बीच इंडिया ने अपनी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो 520 डॉलर, यानी 520 डॉलर से 1,000 डॉलर्स कर ली। ऑल राइट, तो यानी 5 साल में डबल कर ली, बट फिर अगले 10 साल लगे इंडिया को डबल करने में। ऑल राइट, तो 1,000 डॉलर तो कर ली इंडिया ने 2008-9 में, एंड देन फिर हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स लगे 2170 डॉलर, 2170 डॉलर तक आने में। ऑल राइट, तो इसी देखिए अब क्या है, आपने 5 साल में तो डबल कर ली, बट नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज बिकमिंग फार अवे। तो इस तरीके से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का भी जो एम था वो हमने पोस्टपोन कर दिया है 2024-25 से 2026-27 तक। ऑल राइट, तो देखिए ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अभी ये सब बातें तो ठीक है, बट कुछ एरियाज हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये टारगेट की बातें तो बहुत ही बकवास रही है ना, एंड
एरियाज क्या हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, ऑलराइट, तो वो देखते हैं। तो देखिए, स्मॉल बिजनेसेस पे काम करना पड़ेगा फॉर जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, स्मॉल बिजनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा जॉब क्रिएशन में, बिकॉज एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट लोग चाहिए। तो पीपल कैन डिपेंड अपॉन द जॉब्स, ऑलराइट। इनोवेट करना पड़ेगा, कंजम्पशन लाने के लिए लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व करके वैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने पड़ेंगे। सो स्मॉल बिजनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ऑलराइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बढ़ रही है, वी नो दैट। देन मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स देता है, उसकी जॉब इंटेंसिटी ज़्यादा है सर्विस सेक्टर से। एक्सपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली वी वॉन्ट कि इंटरनेशनल मनी आए, जो भी उस समय डोमिनेंट हो, डॉलर हो, युआन हो, जो भी डोमिनेंट हो, वी वॉन्ट टू एक्सपोर्ट, ऑल राइट। एग्रीकल्चर पे हमको काम करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज अभी भी मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी है। और अगर हम जो ऑलरेडी लोग एग्रीकल्चर में, अगर उनको कुछ दे पाए, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड प्रोसेसिंग पे काम करना पड़ेगा, अब फूड इज गेटिंग वेस्टेड, और इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, वी कैन एक्सपोर्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, और लॉजिस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बडी हु वॉन्ट्स टू सेट अप बिजनेस, वेदर ही इज फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, शुड बी एबल टू सेट अप बिजनेस वेरी इजली इन इंडिया, ऑल राइट। और वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, एंड अगर वो ही नहीं काम करेंगे तो कैसे इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑल राइट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे काम करने पड़ेंगे, ऑल राइट। तो देखते हैं कि क्या कुछ इंडिया के फेवर में है भी या नहीं, तो देखते हैं इस बात को। तो इंडिया के फेवर में क्या है, अभी देखिए, इंडिया की जो मीडियन एज है, इंडियन पॉपुलेशन की जो मीडियन एज है वो 28.2 ईयर्स है, ऑल राइट। तो बहुत ही वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर आप किसी भी कंट्री से कंपेयर कर लें, तो कहीं 40 ईयर्स मीडियन एज हो रही है, तो कहीं 50 ईयर्स हो रही है। तो सून वहाँ पे काम करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे जो कि इंडिया में नहीं होंगे, एंड देन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 2065 के बाद ही श्रिंक होगी। अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो वर्क फोर्स तो रहेगी, दैट इज एन एसेट, और डिमांड रहेगी, है ना। डिमांड रहेगी तो प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, कंजम्पशन होएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। सो दिस इज व्हाट इज देयर। एंड देन डेवलप कंट्रीज का जो इस समय चाइना के साथ टसल चल रहा है कि दे वांट टू मूव अ मैन्युफैक्चरिंग बेस आउट ऑफ चाइना, व्हाई, बिकॉज एक तो चाइना में जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑल पावरफुल, तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता उस सिस्टम पे, और बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू बिकम अ ग्लोबल पावर, तो उसको इकोनॉमिकली और एम्पावर नहीं करना चाहती कंपनीज। सो वॉट एवर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस आर देयर, दे मे वॉन्ट टू शिफ्ट आउट ऑफ चाइना। सो वॉट इज द नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली इंडिया शुड बी, बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री विद वर्किंग एज पॉपुलेशन, ऑल राइट। तो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू सीमेंट इट्स प्लेस इन ग्लोबल सप्लाई चेन इज ऑल्सो देयर, ऑल राइट। तो ये तो फैक्टर्स हैं कि एक तो एज इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड फेवर में है, एंड दूसरा कि इस समय कंडीशन फेवर में है, ऑल राइट। एंड नेक्स्ट थिंग वी कैन सी, तो चैलेंजेस भी कुछ कुछ हैं, अभी देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, मेजर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। अब जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंडीशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्लगिश रहा है। अभी गवर्नमेंट ने जो भी अटेम्प्ट किए कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, ताकि उसको देख करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं कि क्राउड इन करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट बहुत लगाए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या क्राउड इन करने के लिए, बट इट फेल्ड, ऑल राइट। और दूसरी क्या है, विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है, एंड इट हैज बीन फॉलिंग फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, ऑल राइट। अभी देखिए, 2005 में इंडियन वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32% था, एंड 2021 में 25% हो गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि द मोर वुमेन इज एजुकेटेड एंड द मोर शी इज फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, शी इज लाइकली टू सिट एट होम, ऑल राइट। तो
ये दिक्कतें हैं हमारी, हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी। बेसिकली हमने बहुत ही होलिस्टिकली इस आर्टिकल को डिस्कस किया है, एंड यू कैन हैव दीज नोट्स टू। ऑल राइट, फर्स्ट स्लाइड में है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।